अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइकिक लर्नर्स एकेडमी एंड माय नेम इज़ नूरीन फातिमा। वी आर ऑन द टॉपिक जेंडर डिफरेंसेस इन पर्सनालिटी, विच इज़ लेसन नंबर 16। तो जेंडर डिफरेंसेस इन पर्सनालिटी यानी कि पर्सनालिटी के बेसिस पे जेंडर कैसे डिफर करता है। ओके, तो होते हैं काफ़ी सारे डिफरेंसेस होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू फिशबैल्क ETAL 1996, उन्होंने कहा था कि देयर अपीयर टू बी रिलेटिवली फ्यू बेसिक साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सेस। रिलेटिवली फ्यू बेसिक साइकोलॉजिकल डिफरेंस मीन्स, यहाँ पे रिलेटिवली का मतलब है कि जो चेंज होते रहते हैं, विच इज़ नॉट परमानेंट। ओके, तो कुछ ही बेसिक साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं दोनों सेक्स के बीच, आई मीन मेल एंड फीमेल, एंड ऑल दो मेम्बर्स ऑफ द टू सेक्सेस आर सोशलाइज टू बिहेव इन डिफरेंट वे अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। वी जो मेल एंड फीमेल होते हैं वो डिफरेंट वे में बिहेव करते हैं। इतनी ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होती है, बट इन सोसाइटी दे बिहेव इन डिफरेंट वेज, इसका यही मतलब है। ओके, तो पहले आता है जेंडर एंड एग्रेशन। एग्रेशन के बेसिस पे जेंडर कैसे डिफेक्ट करता है। देर इज़ नो डर्थ ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस दैट मेल आर मोर एग्रेसिव दैन फीमेल। यहाँ पे डर्थ DARTH का मतलब है शॉर्टेज, यानी कि एविडेंसेस की कोई कमी नहीं है कि मेल फीमेल से ज़्यादा एग्रेसिव है। ओके, तो ये चीज़ बचपन में ही दिख जाती है कि जो 2 साल के बच्चे होते हैं, उनमें से जो बॉयज़ होते हैं वो ज़्यादा एग्रेशन शो करते हैं इन कंपैरिजन टू गर्ल्स। और ये टेंडेंसी, ये चीज़ पूरी लाइफ उनके चलती है। ऑल्सो जब हम कंपेयर करें कि एग्रेशन मतलब एग्रेसिव होकर क्या फील होता है एक बंदे को, तो उसमें जो वुमेन है उन्हें ज़्यादा गिल्टी, उन्हें ज़्यादा एंग्जाइटी फील होती है एग्रेसिव होकर। लाइक बाद में उन्हें बहुत पछतावा होता है कि हाँ मैं इतना गुस्सा कर गई, और ये एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ को उतना फील नहीं होता, एंड वुमेन को ज़्यादा फील होता है, ज़्यादा पछतावा होता है कि हाँ मैं इस पर इतना गुस्सा कर गई, इतना चीख गई, या लाइक वुमेन दे आर मोर गिल्टी ओवर देयर ओन एग्रेशन। फिजिकल एग्रेशन इज़ मच मोर कॉमन इन बॉयज़ दैन इन गर्ल। फिजिकल एग्रेशन से मतलब ये है कि एग्रेशन मतलब गुस्सा, तो लाइक फिजिकल एग्रेशन मतलब फिजिकली मतलब मार देना, लाइक मारपीट करना। ओके, तो फिजिकल एग्रेशन इज़ मच मोर कॉमन इन बॉयज़ दैन इन गर्ल। रिलेशनल एग्रेशन और सोशल एग्रेशन इज़ कंसिडर मोर हर्टफुल दैन एनी फिजिकल एग्रेशन। ओके, तो रिलेशनल एग्रेशन का मतलब क्या है? इग्नोर कर देना, जवाब नहीं देना, बिल्कुल कोई अगर सॉरी कहने आए तो उसे भी जवाब नहीं देना, तो ये सारी चीज़ें, या फिर टॉन्ट मार देना, तो ये सारी चीज़ें रिलेशनल एग्रेशन या सोशल एग्रेशन में आती हैं। एंड रिसर्च के थ्रू, कुछ स्टडीज़ के थ्रू ये रिवील हुआ था कि जो गर्ल्स हैं वो ज़्यादा यूज़ करती हैं रिलेशनल एग्रेशन दैन बॉयज़। ओके, एंड ये भी पाया गया है कि जो रिलेशनल एग्रेशन है उससे ज़्यादा पेन मिलता है दैन अ फिजिकल पेन। इट कॉजेज मोर साइकिक पेन मतलब दिमाग पे, और साइकोलॉजिकली ज़्यादा इफेक्ट करता है, साइकोलॉजिकली ज़्यादा पेन देता है दैन एनी फिजिकल पेन। ओके, क्योंकि उसमें ये रिलेशनल एग्रेशन में क्या रहता है, जब कोई आपको इग्नोर करेगा तो आपको इंसल्ट फील होगी, तो आपके दिल पे लगेगा, आपको बुरा लगेगा। ओके, एंड जख्म, वैसे तो ये फिजिकली जो वो जख्म होते हैं वो भर जाते हैं, बट इमोशनली जो जख्म होते हैं वो भरने में काफ़ी वक्त लगेंगे, तो काफ़ी वक्त लगता है। इसलिए आप इस तरह समझें, यस कोई इंसल्ट या सोशली रिजेक्ट कर दे तो वो बहुत बड़ा इंसल्ट टाइप लगता है। ओके, तो ये सारी आती है आपकी रिलेशनल एग्रेशन में। तो एंड मैंने बता दिया कि रिलेशनल एग्रेशन फीमेल ज़्यादा करती है। ओके, बट इन एट द एंड आप ये कंक्लूड कर देना कि जो मेल्स होते हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं दैन फीमेल्स, बोथ वर्बली एंड फिजिकली
और ये चीज़ दोनों चीज़ में होता है, बच्चों में भी होता है और एडल्ट्स में भी होता है। तो और ये भी देखा गया है सोसाइटी में कि जो क्राइम होता है, वायलेंट क्राइम, वो मेन उसके ज़्यादा मतलब मेन ज़्यादा करते हैं। वायलेंट क्राइम जो भी होता है, वायलेंट क्राइम से मतलब है यहाँ पे हैरेस करके मार देना, ये सारी चीज़ें। ओके, तो इसमें या फिर हैरेस करके उनकी चीज़ें लूट लेना, तो ये सारी चीज़ें आपकी वायलेंट क्राइम में आ जाएगी, जिसमें मारपीट और ये वो। तो ये इसके अकाउंटेबल सबसे ज़्यादा मेन होते हैं। खैर, आप लोग इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़िएगा तो अब और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है एग्रेशन की? डिफरेंस यही है कि वो खुद कुदरती होता है और सॉरी, बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि वो हार्मोन्स की वजह से ये डिफरेंसेस आती हैं एग्रेशन में। ओके, और लर्निंग एंड सोशल फैक्टर्स एक्सप्लेनेशन, वो लोग ये कहते हैं कि जेंडर डिफरेंसेस जो एग्रेशन में होती है वो बायोलॉजिकल नहीं होती है, वो लर्निंग और सोशलाइजेशन की तरह के थ्रू होती है। लर्निंग एंड सोशल फैक्टर्स की एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर एग्रेसिवनेस बायोलॉजिकली होती तो वो चिल्ड्रेन और एडल्ट में सेम होती, बट ये देखा गया है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इंसान का एग्रेशन बढ़ता जाता है। तो इसके लिए सोशल फैक्टर्स या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। एंड तो इससे ये कंक्लूड हुआ था कि एग्रेशन increases with the increase in age of the child. Gender differences in bullying is common phenomena in all the schools. Mostly boys are bullied by older boys or by peers. In case of girls also, bullying have been reported. US में रिपोर्ट हुआ है जिसमें सेक्सुअल टीजिंग और टचिंग इनकी के केसेस आए हैं, एंड इट हैज़ कॉज्ड सीरियस प्रॉब्लम्स, एंड इससे गर्ल्स स्कूल नहीं जाना चाहती थी। ये US की रिपोर्ट है, गिवन बाय द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी वुमेन फाउंडेशन 1993। देन वी हैव जेंडर डिफरेंसेस इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर। मैन एंड वुमेन दे बोथ डिफर इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपके बिहेवियर्स, जेस्चर्स, एटीट्यूड, ये सारे आ जाएंगे। तो फीमेल्स आर मोर सेंसिटिव इफ टू नॉन वर्बल क्यूज देन मैन। वुमेन काफ़ी हद तक नोटिस करती हैं किसी की बॉडी लैंग्वेज को, बल्कि मैन इतना नहीं नोटिस करते हैं। ऑल्सो जब आप देखेंगे कि आप कभी अगर किसी वुमेन से बात कर रहे हो वो तो आपकी तरफ देखती है, आपकी तरफ देख करके बात करती है, बट मैन टिपिकली दे डू नॉट लुक एट एनी वुमेन टॉकिंग और एनीवन। वुमेन आर जनरली फॉर्मल होती हैं, अपने पोस्टर को लेकर के काफ़ी कॉन्शियस होती हैं अपनी बात करने के तरीके को और बाकी सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी सीरियस और कॉन्शियस होती हैं। मेन को आप देखे होंगे बहुत रिलैक्स्ड, नॉर्मल, इनफॉर्मल होकर के ये बिल्कुल बातें करते होंगे। आप खुद ही अपने घर में एक बार सोच लें या फिर आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं तो भी आप देख लें कि वहाँ पे अगर कोई मैन और वुमेन दोनों साथ बैठे हैं तो मैन बिल्कुल रिलैक्स होगा और बट वुमेन कॉन्शियस होगी, इधर उधर देखेगी और थोड़े बहुत उसको ख्याल रहेगा कि किस तरह बोलना है, किस तरह बात करनी है। ओके, देन ये भी होता है कि वुमेन मैन से ज़्यादा स्माइल करती हैं। एंड अकॉर्डिंग टू हेनले HENLEY, these differences, the differences in non-verbal communication shows the power position of men and submission of women. तो इससे ये भी इंडिकेट होता है कि जो मेन है उनकी हायर स्टेटस है, वुमेन की लोअर स्टेटस है। द जेस्चर्स यूज्ड बाय मेन आर द वन यूज्ड बाय हाई पावरफुल पोजीशन। जो जेस्चर्स जो नॉर्मली रिलैक्स होकर के बातें करना, इनफॉर्मल रहना और बहुत ज़्यादा लाइक यू नो बहुत ज़्यादा स्माइल ना लाइक
ज़्यादा स्माइल नहीं करना और लोगों की तरफ देख करके नहीं बात करना, जो भी ये सारे जेस्चर्स हैं, मोस्टली ये सारे जेस्चर्स आर यूज्ड बाय हाई एंड पावरफुल पोजीशन, एंड जो वुमेन के जो जेस्चर्स हैं दे आर यूज्ड बाय लो स्टेटस इन लोअर पोजीशन इन द सोसाइटी। तो ये एक हेनले की कोई वो स्टेटमेंट थी। पैराग्राफ ज़रूर पढ़ना। टचिंग में ये है कि मैन और वुमेन दोनों डिफर करते हैं टचिंग में, एक टचिंग के केस में एज अ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे कि ही लाइक किसी के हाथ पैसे किसी के कंधे पैसे हाथ रख करके बात करना स्टार्ट कर देना, उसको कह रहे हैं टचिंग इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मैन टच बट दे डू नॉट जनरली लाइक बींग टच, मतलब मैन खुद किसी को भी टच कर लेंगे बट उनको कोई टच करते तो उन्हें वो चीज़ नहीं पसंद। वुमेन जनरली गिव अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू टचिंग। आप अगर वुमेन को देखो वो कि अगर उसको कोई दूसरी वुमेन ऐसे कंधे पे हाथ रख देती है तो वो भी इस तरह ऐसे दूसरी तरफ भी हाथ रख देती है या फिर उसे एक थोड़ी क्लोज आ जाती है। ओके बट दे डू नॉट बट दे रेयरली इनिशिएट मीन स्टार्ट करना, बट वो खुद से कभी या बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि औरतें खुद से ज़्यादा खुद से टचिंग नहीं स्टार्ट करती हैं या हाथ नहीं रखती हैं। ओके एक्सप्रेसिवनेस एंड सेंसिटिविटी ही, तो मैन एंड वुमेन इसमें भी वैरी करते हैं और देखा गया कि वुमेन इसमें ज़्यादा हायर हैं बोथ इन एक्चुअली सेंडिंग बोथ इन एक्यूरेटली सेंडिंग एनी एक्सप्रेशन और बीइंग सेंसिटिव टू एनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उनके पास वो वुमेन ज़्यादातर आइडेंटिफाई कर लेती हैं, पहचान जाती हैं कि कौन सी नेगेटिव फीलिंग है, बट अक्सर एंगर नहीं पहचान पाती। के अकॉर्डिंग टू ब्राउन दिस हाइटेंड एबिलिटी मे बी फंक्शन ऑफ वुमेन्स लेस पावरफुल पोजिशन, दे मे हैव टू डेवलप सेंसिटिविटी टू द लीकेज ऑफ नेगेटिव फीलिंग्स। तो ब्राउन का ये कहना था 1986 में कि ये जो एबिलिटी है पहचानने की नेगेटिव फीलिंग वो वुमेन की ये अपनी जो कम पावरफुल पोजीशन है उसकी एक एबिलिटी है, उसकी एक फंक्शन है कि हाँ वो ये चीज़ें पहचान जाती हैं नेगेटिव फीलिंग, एंड दे मे हैव टू डेवलप सेंसिटिविटी टू द लीकेज ऑफ नेगेटिव फीलिंग, मतलब उन्हें ये थोड़ा सेंसिटिव इस बात की फीलिंग इस बात की पहचान या इस बात का रियलाइजेशन होना चाहिए कि वो भी कभी कभी नेगेटिव फीलिंग सेंड करती हैं या देती हैं। ओके तो एक्सप्रेसिवनेस और सेंसिटिविटी में यही था कि जो मैन और वुमेन है वो वैरी करते हैं एक्सप्रेसिवनेस एक्सप्रेस करने में, कोई भी चीज़ एक्सप्रेस करने में और सेंसिटिव होने में ये। ओके बट जो वुमेन होती हैं वो ज़्यादातर सेंड करती हैं कोई भी एक्सप्रेशन और समझती भी हैं किसी बात को किसी भी ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को, और वुमेन के पास एबिलिटी ज़्यादा होती है नेगेटिव फीलिंग्स आइडेंटिफाई करने की, बट अक्सर वो काफ़ी केसेस में ये एंगर यानी कि गुस्सा आइडेंटिफाई नहीं कर पाती।